हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? अच्छे से ही रहना है ना, अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना है हमें। ऑल राइट, तो लास्ट वीडियो आपने देखा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो था, पूरा एंड तक देखिएगा बच्चों। बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी कि आपको हाइगेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या जो है वो समझ में आ सके। आज वाला जो वीडियो हम पढ़ेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। रीज़न यह है कि इसमें पार्ट थियोरेटिकल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट हमारे आज तैयार हो जाएंगे, तब जाके हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देना है और छोटी छोटी सी बातों को पकड़ लेना है कि हाँ, इस वाले पॉइंट से हम ये काम करेंगे। ऑल राइट, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आज का टॉपिक देखिए, दो तीन पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये कोई नई चीज तो है ही नहीं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, वेव्स चैप्टर था, वहां पर ध्वनि के बारे में आपने वहां डिस्कस किया है और ध्वनि के लिए आपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रखा है। हालांकि ध्वनि और प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत कोई अलग नहीं है, सेम वैसा का वैसा ही है। अध्यारोपण के सिद्धांत में तरंगे मैटर करती हैं, चाहे वो ध्वनि हो चाहे वो प्रकाश हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तरंग होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की बच्चों, तो हमें कई बार देखो, लास्ट वाले वीडियो में एक बच्चे ने मेरे को पूछ लिया था कि सर समान कला और असमान कला क्या होती है, तो वो अब आएगा, है ना। उस वीडियो में आपने देख लिया, इसका मतलब आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि बच्चे आगे बढ़कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए तो जब हम अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है अध्यारोपित होना। अध्यारोपित मतलब होना का मतलब क्या हुआ, एक तरंग है उसके ऊपर दूसरी तरंग क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है, उसके ऊपर बैठ जा रही है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ। इसका मतलब ये है कि एक तरंग दूसरी तरंग के साथ में मिक्स होने की कोशिश कर रही है। ठीक, कहाँ पर, आंसर है माध्यम पर। ठीक है, तो माध्यम के अंदर जब तरंगें जो एक ही दिशा में चलती हुई या विपरीत दिशा में चलती हुई, कैसे भी ठीक है, चलती हुई एक दूसरे पे क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पर क्या बनती है, एक नई तरंग का निर्माण होता है। चूंकि वहाँ नई तरंग का निर्माण होता है, तो जो नई तरंग बनी उसका परिणामी जो विस्थापन होता है, वो जितनी भी तरंगें वहां अध्यारोपित हो रही हैं उनके विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं लगेगा बच्चों। चलिए देखो, अध्यारोपण के सिद्धांत को आपने 11th में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस किया था, तो आपने अध्यारोपण के सिद्धांत के फलस्वरूप आपने व्यतिकरण पढ़ा था, आपने वहां विस्पंद पढ़ा था, एक वर्ड याद आ रहा है विस्पंद, है ना, आपने अप्रगामी तरंगे भी वहां पढ़ा था। ये तीन ऐसे पॉइंट थे जो आपने कहां पढ़े हैं, 11th में पढ़ रखे हैं, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, बीट्स, विस्पंद और स्टेशनरी वेव्स, अप्रगामी तरंगे। ये तीनों के तीनों किसके कारण बनती है, अध्यारोपण के कारण। किनके अध्यारोपण के कारण, तरंगों के अध्यारोपण के कारण। तरंगे अध्यारोपित कहां होंगी, आंसर है माध्यम में होंगे। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा क्या कहते हैं सिद्धांत है। ये बोलता है कि लेट सपोज करो चार या पांच तरंगे हैं, ठीक है, तो हर एक तरंग का खुद का एक विस्थापन समीकरण होगा या खुद का एक विस्थापन होगा। ठीक, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो हमने बोला पहली तरंग का विस्थापन वाई वन मान लीजिए और सदिश रूप में लिख देता हूं, दूसरी तरंग का विस्थापन वाई टू मान लीजिए, तीसरी तरंग का विस्थापन वाई थ्री मान लीजिए, चौथी तरंग का विस्थापन वाई फोर मान लीजिए। ठीक है, ऐसी चार तरंग हैं जिनका विस्थापन किसी पर्टिकुलर समय पर ये है, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर है। ठीक, अब क्या होगा, ये तरंगे
किसी एक ही माध्यम में ट्रेवल करनी, अलग अलग माध्यम में ट्रेवल करेंगे तो फिर अध्यारोपित कहाँ से होंगी, एक ही माध्यम में तो ट्रेवल करनी चाहिए। एक ही माध्यम में क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, एक ही मीडियम में चल रही हैं, और चलते हुए जब वो एक दूसरे से क्या कर जाती हैं, अध्यारोपित कर जाती हैं, अध्यारोपण कर जाती हैं, तो जो नई तरंग प्राप्त होती है उसका परिणामी विस्थापन, नई तरंग का परिणामी विस्थापन, जितनी भी तरंगे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अध्यारोपित हुई उन सभी के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होगा। वापस से, जो परिणामी तरंग बनी है उसका विस्थापन, परिणामी विस्थापन वो अध्यारोपित होने वाली समस्त तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, सिंपल सा ही तो था। ठीक, लिख दूं मैं इस चीज को। चलिए, तो ये क्या है वो समझिएगा, आगे और लगा देते हैं। चलिए, तो इस सिद्धांत के अनुसार एक ही माध्यम में संचरण करती हुई तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी विस्थापन, और परिणामी विस्थापन किसका, जो नई तरंग बन रही होगी, परिणामी तरंग है ना, परिणामी विस्थापन अध्यारोपित होने वाली समस्त तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, यही तो था कि जितनी भी तरंगे वहां अध्यारोपित हो रही हैं उनके अध्यारोपण से जो परिणामी विस्थापन प्राप्त होता है वह प्रत्येक तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। अब अगर n तरंगे आ रही हैं तो ये क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डॉट 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 कहां तक जाना चाहिए, yn तक जाना चाहिए, और वो भी किस रूप में, सदिश रूप में। ठीक है, जब हम ये वैसे हम समीकरण में पढ़ेंगे तो फिर y के ऊपर सदिश लगाना इतना कोई जरूरी नहीं होता, जब हम समीकरण के रूप में पढ़ते हैं तब। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप जो चीज आज हम पढ़ेंगे वो है बच्चों व्यतिकरण। क्या है वो टॉपिक, व्यतिकरण। अब ये भी आपने पढ़ रखा है 11th में, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस बोलते हैं क्या, अरे मेरी बात के बीच में इंटरफेयर मत करो रे देवताओं, इंटरफेरेंस बीच में ही आ जाना है ना, व्यतिकरण बोलते हैं इस चीज को हिंदी के अंदर। अब ये क्या चीज है, तो अध्यारोपण से ही बना हुआ है, कोई अलग चीज नहीं है। दो या दो से ज्यादा तरंगे हैं वो माध्यम में एक ही दिशा में क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, और माध्यम में एक दूसरे के साथ में अध्यारोपित हो जाती है। अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या बनती है, एक नई तरंग बनती है, और उस नई तरंग की कुछ विशेषता है, और वो विशेषता तभी होंगी जब पर्टिकुलर कंडीशन के साथ में वो अध्यारोपित होंगी। अब थोड़ा सा समझिए बच्चों इस चीज को, मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा समझिए, व्यतिकरण कौन सी तरंगों के बीच में होगा, अध्यारोपण कौन सी तरंगों के बीच में हो कि उससे कौन सी घटना हो, व्यतिकरण की घटना हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति समान हो, समझना,
ये परिभाषा के अंदर आएगा, है ना। दो या दो से अधिक ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ये परिभाषा में लिखेंगे अपन, ठीक है। उनका आयाम जो हो, अब ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए, आयाम क्या हो, या तो समान हो, और वास्तविकता में अगर समान हो तो बहुत बढ़िया, उससे बेहतर कंडीशन कुछ नहीं हो सकती, या फिर लगभग समान हो, है ना, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए आयाम में। और एक ही दिशा में गति कर रही हूं, एक ही दिशा में संचरित हो, और उनके मध्य कालांतर या फिर पथांतर, जो अपने इलेवेंथ में पढ़ रखा है ना, कालांतर या फिर पथांतर, पथांतर क्या हो, नियत हो, ठीक है। ऐसी तरंगे जिनमें ये सारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, ये सारे गुण हैं, और वो अगर अध्यारोपित हो रही हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कौन सी घटना होगी, व्यतिकरण की घटना होगी। अध्यारोपण के फलस्वरूप वैसे भी एक नई तरंग बनती है, परिणामी तरंग बनेगी। वो जो परिणामी तरंग है ना, उस परिणामी तरंग की कुछ खास बात है। क्या खास बात है, उस परिणामी तरंग का जो आयाम है वो कुछ स्थानों पर क्या होगा, अधिकतम होगा, और कुछ स्थानों पर न्यूनतम होगा। उस परिणामी तरंग की तीव्रता भी कुछ स्थानों पर अधिकतम होगी और कुछ स्थानों पर न्यूनतम होगी, और यही घटना वास्तविकता में क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। मैंने जो बताया उसे सिर्फ एक लाइन के अंदर डाल दो, सिर्फ एक लाइन के अंदर, मतलब इनको जोड़ते जाओ, कड़ियों को जोड़ते जाओ, कोमा लगाते जाओ, आपकी व्यतिकरण की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। क्या है वो समझिए, ठीक। दो या दो से अधिक ऐसी तरंगे, वापस से समझिएगा, दो या दो से अधिक ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति समान, आयाम समान अथवा लगभग समान, कालांतर नियत हो, जब एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम किन्हीं स्थानों पर अधिकतम एवं किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम प्राप्त होता है, तथा उस परिणामी तरंग की तीव्रता किन्हीं स्थानों पर अधिकतम एवं किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम प्राप्त होती है, यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है, ठीक है। इन सारी चीजों को हमने क्या किया, परिभाषा में डाल दिया, हमारी परिभाषा तैयार हो गई, और इससे बेहतर परिभाषा नहीं बन सकती है बच्चों, ठीक है। अध्यारोपण का जो सिद्धांत है बच्चों, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। यहाँ पर ये बोलना क्यों जरूरी हुआ, ये और समझिए, देखो किसी स्थान पर तीव्रता अधिकतम है, किसी स्थान पर तीव्रता न्यूनतम है, ठीक है, इसका मतलब कहीं ऊर्जा ज़्यादा है, कहीं ऊर्जा कम है, लेकिन जब हम टोटल ऊर्जा की बात करते हैं, औसत ऊर्जा की बात करते हैं ना, तो औसत ऊर्जा नियत बनी रहती है, जितनी प्रारंभ में थी उतनी की उतनी बाद में भी रहती है, ठीक है। बस ऊर्जा का क्या हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि व्यतिकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज समहाउ नोन एज इंटरफेरेंस, ठीक है। चलिए वो बात की बात है, उसे अपन डिस्कस भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसकी परिभाषा लिखूं मैं, ओके, अब तक तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखनी है। वापस से इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ परिभाषा के रूप में देख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तुमने क्या लिखना है, दो या दो से अधिक ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति समान, आयाम समान अथवा
लगभग समान तथा जिनके मध्य कालांतर नियत हो, जब एक ही दिशा में संचरित होते हुए माध्यम में क्या होती है बच्चों, अध्यारोपित होती हैं। मेरे साथ में लिख रहे हो ना, अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप, अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम किन्हीं स्थानों पर अधिकतम एवं किन्हीं स्थानों पर क्या होता है बच्चों, न्यूनतम होता है। ठीक है, अब ये बच्चों को थोड़ी आपको बड़ी लग रही होगी है ना, लेकिन परिभाषा सिंपल है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, न्यूनतम होता है वह परिणामी तरंग की तीव्रता किन्हीं स्थानों पर अधिकतम व किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम होती है। किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम होती है, यही घटना क्या कहलाती है बच्चों, व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो बाद की बात है, वो हम तसल्ली से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी परिभाषा है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या याद रखना है हमें, हमें ये बताना है कि व्यतिकरण जो है वो दो या दो से अधिक ऐसी तरंगों के बीच में देखा जाता है जिनकी आवृत्ति समान हो, आयाम समान अथवा लगभग समान हो, जिनके मध्य कालांतर नियत हो, ऐसी तरंगें जब माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं और अध्यारोपित होती हैं तो एक नई तरंग बनती है जिसका आयाम किन्हीं स्थान पर अधिकतम होता है, किन्हीं पर न्यूनतम होता है, जिसकी तीव्रता किन्हीं स्थानों पर अधिकतम होती है, किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम होती है, और ये घटना जो है वो घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है ये बात, तो इस तरीके से हमें इस चीज को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, और ये ध्यान में रखना, ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ठीक है, मैं ये लिख देता हूं कि व्यतिकरण में ऊर्जा का क्या होता है बच्चों, पुनर्वितरण होता है, पुनर्वितरण होता है। ठीक है, ये हमें लिखना है। चलिए, तो ये हो गया डन कंप्लीट। अब इसके बाद में इसी में व्यतिकरण में ही एक पॉइंट आता है, कला सबद्ध एवं कला असबद्ध प्रकाश स्रोत। एक तरीके से आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, एक नंबर की कई बार परिभाषा पूछ लेता है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट है, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं।
और इसी में ही फिर बच्चों को पता चलेगा। हाँ, विपरीत कला और समान कला क्या होती है वो भी हम आज अभी डिस्कस कर लेंगे, ताकि बच्चों को पता चले कि ये क्या चीज है। और कलांतर नियत होने का मतलब क्या है वो भी समझ लो। देखिए, समझना, कालांतर नियत का मतलब क्या हुआ। पहले तो वो तो हमने बोला कि एक तरंग हमारे पास में ऐसी है, ये डन। चलिए, और दूसरी तरंग हमारे पास में कुछ ऐसी आ रही है, यू। ठीक है, और ये दोनों तरंगे माध्यम में क्या होंगी, अध्यारोपित, देखो मिक्स हो रही होंगी, तो एक नई तरंग का निर्माण होगा इन दोनों के मिक्स हो जाने के कारण। आप गौर करेंगे कि जब भी आप ये गैप देखोगे इन दोनों तरंगों के बीच में, ठीक है, ये गैप हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, तो हम बोलेंगे इनका कालांतर नियत है। थोड़ा बहुत अंतर है कला में, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन वो अंतर चेंज नहीं हो रहा, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, कालांतर इनका क्या है, नियत है। ठीक है, ये तरंगे जो है ऐसी तरंगे जिनके मध्य कालांतर चेंज नहीं हो रहा, कला जो है उसका अंतर जो है, अगर यहां पे 10 डिग्री का है तो हर जगह 10 डिग्री के गैप से ही ये चल रही है। अब कला का चेंज होना क्या होता है वो समझ लो। तो हमने बोला कि एक तरंग ऐसी है, ठीक है, और दूसरी तरंग ऐसी आ रही है, ऐसा। अब देखेंगे कि ऐसी तरंग, एक तो आवृत्ति समान नहीं है, ठीक है, आवृत्ति समान नहीं है, दोनों की आवृत्ति अगर आप यहां पे देखोगे तो आवृत्ति समान है, लेकिन इसकी तो आवृत्ति समान नहीं है, तो दिक्कत तो यहीं पे हो गई, इनके बीच में कभी भी व्यतिकरण नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि इस तरंग की और इस तरंग की आवृत्ति समान नहीं है। आवृत्ति समान कब होगी, जब दोनों समान समान अंतराल में समान लूप ट्रेवल करेंगी वो। ठीक है, आप इस चीज को और थोड़ा एलैबोरेट कर लीजिए, थोड़ा सा सही अंतर आपको और पता चलेगा। जब मैं बोलूं कि ऐसी तरंग है, पहली तरंग ये और दूसरी तरंग ये, आप गौर करेंगे यहां पर कोई अंतर है नहीं, यहां पर अंतर है, यहां पर कोई अंतर है नहीं, यहां पर अंतर वापस से आया, यहां पे वो अंतर और बढ़ गया। ठीक, तो ये दो तरंगे ऐसी हैं जिनके मध्य का जो कलांतर है वो समय के साथ क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। कलांतर चेंज हुआ इसका मतलब उनके मध्य की आवृत्ति भी चेंज ही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ऐसी तरंगे जो जिनके मध्य कालांतर क्या होता है, समय के साथ में क्या होता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए कैसी तरंगे हो गई हैं, कला असंबद्ध तरंगे हुई। ठीक, जबकि जिनके मध्य का कालांतर क्या रहता है, नियत रहता है, समय के साथ चेंज नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं कला संबद्ध तरंगे। ठीक है, अब चलो इससे परिभाषा आपकी सिंपल हो जाएगी, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि कला संबद्ध और कला असंबद्ध क्या होता है। कोहरेंट एंड इनकोहरेंट लाइट सोर्स, ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, और हम डिस्कस मेनली कोहरेंट पे ही करेंगे, क्योंकि व्यतिकरण जो है उसमें आवृत्ति समान रहती है। और देखो, कलांतर नियत बोला था मैंने, नियत बोला था, नहीं बोला था, इसका मतलब व्यतिकरण जो है वो उन्हीं तरंगों के बीच में होगी जिनके लिए प्रकाश स्रोत कैसा हो, कला संबद्ध हो। देखिए टॉपिक क्या है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में अगर मैं इसे बोलूं तो इसे बोलेंगे कोहरेंट लाइट सोर्स।
ठीक है, और क्या बोलेंगे, जिनके मध्य फेज डिफरेंस जो है, कालांतर जो है, वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर नियत रहता है। कालांतर नियत का मतलब समय के साथ परिवर्तित नहीं होता वो कालांतर, ठीक है, अथवा शून्य रहता है, या फिर कालांतर होता ही नहीं है, अथवा कालांतर शून्य होता है। क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। अब कला संबद्ध प्रकाश स्रोत के लिए कोई एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो हम बोलते हैं लेजर लाइट जो है, एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी लेजर लाइट जो है वो हमारे लिए किसकी भांति व्यवहार करती है? कला संबद्ध की तरह, है ना। लेजर लाइट जो है वो वास्तविकता के अंदर ऐसी तरंग देती हैं जिनकी आवृत्ति समान होती है, जिनके मध्य का कालांतर नियत रहता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं एक ही पदार्थ, ये उदाहरण हो गया बच्चों, उदाहरण पूछा जाता है, एक ही पदार्थ से बनी, अलग अलग पदार्थ से नहीं बनी, ठीक है, एक ही पदार्थ से बनी दो समान लेजर लाइट या लेजर कला संबद्ध प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। हमारे टाइम पे बच्चों लेजर जो है वो टॉपिक हुआ करता था, ये टॉपिक कोर्स के अंदर था, इसका फुल फॉर्म भी है क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब हिंदी में क्या होता है वो मत पूछना, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो लेजर लाइट जो है वो वास्तविकता में हमारे लिए कैसा है बच्चों? कोहरेंट लाइट सोर्स है, एक तरीके का कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है। कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों का उपयोग किसमें किया जाता है? व्यतिकरण में किया जाता है। तो इसका मतलब व्यतिकरण करने के लिए हम लेजर लाइट का उपयोग कर सकते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत, है ना। इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहां पर लगा देता हूं ए, ठीक है, तो क्या होगा? ये हो गया इनकोहरेंट लाइट सोर्स। अब इसमें क्या करना है? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्ती होता है, नियत नहीं है, ठीक है, समय के साथ क्या होता है? परिवर्ती होता है, कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। क्या कहलाते हैं? कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, ये कई बार पूछा जाता है कि क्या दो समान पदार्थ से बने बल्ब किसकी भांति व्यवहार कर सकते हैं? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर सकते हैं। आंसर है बल्ब नहीं करते बच्चों, ठीक है। बल्ब के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि उनका हीटिंग कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकता है, किसी समय करंट ज्यादा आ गई, किसी समय कम आ गई, ठीक है। तो दो
जो बल्ब है वो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत नहीं हो सकते, वो कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत है ना। बल्ब वाला उदाहरण किसके लिए है? कला असंबद्ध के लिए है, जबकि लेजर वाला उदाहरण किसके लिए है? कला संबद्ध के लिए है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना, इतनी परिभाषा से अपना काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, कुछ बच्चों ने जो मैंने बोला था कि समान कला और असमान कला क्या होती है ये पूछा है, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि समान कला और असमान कला क्या होती है। देखिए, समान कला का मतलब दो तरंगे समान कला में हैं, इसका मतलब जब एक तरंग ऊपर की ओर जा रही है तो दूसरी तरंग भी ऊपर की ओर जा रही है, मतलब जब एक तरंग उच्चिष्ट को प्राप्त कर रही है तो दूसरी तरंग भी उच्चिष्ट को प्राप्त करनी चाहिए, जब एक तरंग निम्निष्ट को प्राप्त कर रही है तो दूसरी तरंग भी निम्निष्ट को प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तुमने बोला ये मानो, ये ऐसी है ना, एक तरंग ऐसी है ये, और इसी के साथ में एक दूसरी तरंग भी है, आगे की ओर ले जाओ, ठीक है, ये मिक्स है भाई। तो आप देखेंगे कि जब ऊपर वाली तरंग मतलब ये उच्चिष्ट को प्राप्त कर रही थी, उसी समय ये भी उच्चिष्ट को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जब ये निम्निष्ट पे जा रही है तो दोनों एक ही समय पे निम्निष्ट पे आ रही है, फिर वापस दोनों एक ही समय पे उच्चिष्ट, वापस एक ही समय पे निम्निष्ट, फिर वापस उच्चिष्ट एक ही समय पर, ठीक है। ये होती है समान कला में, एक ऊपर जा रही तो दूसरी भी ऊपर जाएगी, एक नीचे जा रही तो दूसरी भी नीचे जाएगी, ये हो गया कौन सा? समान कला। इसे कौन सी कला बोलेंगे? समान कला। और समान कला में वास्तविकता में कलांतर जो है वो कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। समान कला का मतलब कलांतर जीरो डिग्री। एक होता है विपरीत कला, एक क्या होता है? विपरीत कला। विपरीत कला का मतलब बिल्कुल उल्टा, नाम से पता चलना चाहिए, ये तरंग ऐसे जा रही है, है ना। तो विपरीत कला क्या होगी? अगर ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसके विपरीत चलो दूसरी तरंग ऐसे जा रही है, तो ये और ये तरंग कौन सी कला के अंदर है? आंसर है विपरीत कला में। एक ऊपर की ओर उच्चिष्ट को प्राप्त कर रही है तो उसी समय दूसरी निम्निष्ट को प्राप्त कर रही है, फिर जब ये वाली उच्चिष्ट को प्राप्त कर रही थी तो दूसरी वाली निम्निष्ट को प्राप्त कर रही थी। आयाम चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए एक ऊपर की ओर जा रही है तो दूसरी नीचे की ओर जा रही है। ऐसी तरंगें कौन सी कला में होती हैं? विपरीत कला में। विपरीत कला का मतलब कलांतर कितना माना जाता है? 180 डिग्री माना जाता है, है ना। दो तरंगों के बीच में अगर कला विपरीत है तो हम बोलते हैं उनके बीच का कालांतर कितना है? 180 डिग्री। जबकि समान कला में कितना माना जाता है? 0 डिग्री माना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया समान कला और विपरीत कला क्या होती है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो देवताओं, ये तो हो गई बेसिक सी बातें, है ना। अब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में वास्तविकता में आता है। व्यतिकरण की परिभाषा चांसेस एक बार के लिए कम हो जाए कि व्यतिकरण की डेफिनेशन पूछे, लेकिन यह चीज जरूर पूछता है, व्यतिकरण की शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ये पूछता है। आप देखेंगे बोर्ड पेपर के अंदर तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के अंदर एक है ये, बड़े सवाल के अंदर एक नंबर का आता है, तीन नंबर का डेरिवेशन और उसके साथ में एक नंबर का ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। थ्योरी ज्यादा होगी ना आज वाले में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और आवश्यक शर्तों के अंदर क्या? चार शर्तें पूछेगा ज्यादा से ज्यादा चार शर्तें। तो अपन को इतना ही देखना है, छोटी छोटी सी चार शर्तों को दिमाग में रख लेना है, ठीक है ये बात। चलिए, तो पहला क्या भाई, पहली चीज क्या? तो हमने बोलना है ओके, टॉपिक तो मैंने लिखा ही नहीं, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें,
नेसेसरी कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। अब क्या कंडीशन है वो देखिए। सबसे पहला, प्रकाश स्रोत जिनसे तरंगें निकल रही हैं वे दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक है, तरंगे भी कला संबद्ध होंगी। तो हमने लिखा प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब क्या हुआ हमारे लिए? कलांतर क्या हो गया? जीरो होगा। अर्थात अर्थात तरंग सॉरी नियत हो गया, शून्य नहीं नियत हो गया, वो ज्यादा परफेक्ट है। अर्थात तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। ठीक है, एक तो यही डेफिनेशन में हमने लिखा था, होना चाहिए, तभी मैंने कहा था कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा हमने और डेफिनेशन में क्या लिखा था बच्चों? आवृत्ति जो है वो समान होनी चाहिए। आवृत्ति समान मतलब एक ही वर्ण होना चाहिए, एक ही रंग होना चाहिए। ठीक, तो हमने बोला प्रकाश स्रोत सॉरी प्रकाशिक तरंगों, क्योंकि हम प्रकाश की बात करें इसलिए प्रकाशिक तरंगों। वैसे आप तरंग भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाशिक हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। प्रकाशिक तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। ठीक, जब आप लिख रहे हैं आवृत्ति समान होनी चाहिए तो इसी के साथ में उसी माध्यम की बात कर रहे हैं तो हम तरंग धैर्य भी समान बोलेंगे। ठीक है, प्रकाशिक तरंगों की आवृत्ति एवं तरंग धैर्य क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फिर और क्या लिखा था उस डेफिनेशन के अंदर बच्चों? आयाम लिखा था क्या? आयाम के लिए क्या लिखा था? आयाम समान हो या फिर लगभग समान लिखा था ना। तो हम बोलते हैं तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए? समान अथवा लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, तीन हो गए। फिर और क्या इसमें? एक और है, क्या भाई? देखिए, जब हम इनके कलांतर की बात कर चुके हैं, ये एक अलग से पॉइंट बना सकते थे आपके, इनके मध्य का कलांतर क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। तो आप पथांतर के लिए भी लिख सकते हैं कि प्रकाश स्रोतों या फिर तरंगों के मध्य पथांतर क्या रहना चाहिए? नियत एवं अल्प रहना चाहिए। तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तरंगों के मध्य पथांतर नियत एवं अल्प होना चाहिए। ठीक, जब आप व्यतिकरण समझेंगे और यंग का प्रयोग पढ़ेंगे, द्विस्लिट प्रयोग पढ़ेंगे, द्विछिद्र प्रयोग पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे हम। ऐसे आपको दो प्रकाश स्रोत दिखाई देंगे, S1 और S2। ये छेद हैं, और छेद भी कैसे? एक पिन कितनी पतली होती है? पिन तो समझते हो ना, सुई। ठीक है, एक सुई जितनी पतली होती है उतने पतले प्रकाश स्रोत हैं ये। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि प्रकाश स्रोत, या इसे स्लीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? स्लीट, छिद्र, है ना। प्रकाश स्रोत या फिर प्रकाश, ये जो स्लीट होती है, ये स्लीट का जो छिद्र है वह संकीर्ण होना चाहिए,
संकीर्ण मतलब बहुत पतला होना चाहिए, ताकि ऐसा हो कि इससे एक ही तरंग बाहर निकल सके, ठीक है, एक छोटा सा भाग ही उसका बाहर निकल सके, ये बात ध्यान रखना। तो हम बोलते हैं स्लीट की चौड़ाई संकीर्ण होनी चाहिए। स्लीट की चौड़ाई क्या होनी चाहिए बच्चों? संकीर्ण, बहुत छोटी, संकीर्ण होनी चाहिए। फिर और वो जो अभी ऐसा मैंने बनाया ना यूं, ठीक, ये जो ये छेद है ना, ये स्लीट जिन्हें हमने बोला, ये छिद्र जो है, इन छिद्रों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये छिद्र जो है वो एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तब आप इन छिद्रों के बीच की दूरी पढ़ोगे 2 mm या फिर एमएम में पढ़ोगे कुल मिलाकर के। ये दूरी आपको किस में दिखाई देगी? मिलीमीटर में दिखाई देगी, 10^-3 meters में। बहुत कम होगी क्या? बहुत पास पास होंगे वो छेद, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, व्यतिकरण होने के लिए इन छेदों के बीच की दूरी या प्रकाशक स्रोतों के बीच की दूरी, ये प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे हमारे लिए, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए, ठीक। तो हमने क्या लिखना है? प्रकाश स्रोतों के मध्य दूरी अथवा स्लीटों के मध्य दूरी क्या होनी चाहिए? अत्यल्प होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए। और फिर जब आप व्यतिकरण को एग्जामिन करोगे, व्यतिकरण से हुआ क्या, मैंने आपको बोला था ना कि किन्हीं स्थानों पर आपको तीव्रता अधिकतम दिखाई देगी, किन्हीं स्थानों पर आपको तीव्रता न्यूनतम दिखाई देगी, उसका मतलब क्या था? जहां तीव्रता अधिकतम है वो जगह आपको चमकती हुई दिखाई देगी, और जहां तीव्रता न्यूनतम है वो जगह आपको डार्क दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। ये कहां दिखाई देगी? कोई पर्दा होगा उसी के ऊपर तो दिखाई देगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि व्यतिकरण में पर्दे पर कुछ पैटर्न बनता है। वो पैटर्न क्या होता है? उस पर्दे पर कोई जगह ज्यादा चमक रही होती है और कोई जगह बिल्कुल डार्क होती है, बिल्कुल काली होती है, ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो पैटर्न जब हमने प्राप्त किया, तो वो पर्दे पर प्राप्त किया, तो यहां पर एक कंडीशन है, वो पर्दा जो वो पास नहीं होना चाहिए। किसके पास नहीं होना चाहिए? प्रकाश स्रोत के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रकाश स्रोत और पर्दे के मध्य की दूरी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम बोलते हैं कि व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत, और वो प्रकाश स्रोत क्या है? स्लीट ही तो है, स्लीट तथा पर्दे के मध्य दूरी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, और एक लास्ट, ये थोड़ा चांसेस कम है कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक सबसे एंड में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि प्रकाश की किरणें बच्चों कुछ होती हैं ध्रुवित प्रकाश की किरणें और कुछ होती हैं अध्रुवित प्रकाश की किरणें, ठीक है। जैसे लेजर लाइट वाली जो है वो ध्रुवित है, लेकिन जब हम अध्रुवित की बात करते हैं तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अगर जो प्रकाश आपने यूज किया है वो ध्रुवित प्रकाश है, तो उस ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल है बच्चों वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं यदि प्रकाश ध्रुवित है, अगर है तो इनका ध्रुवण तल, ये पढ़ेंगे हम आगे, ध्रुवण तल एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब मैंने आपको
आठ ऐसी कंडीशन लिखा दी हैं जो कि आवश्यक हैं किसके लिए, व्यतीकरण के लिए। एग्जाम में पूछी कितनी जाती हैं, चार पूछी जाती हैं। तो चलो मैं आपको सिंपल सिंपल से बताता हूं। सबसे पहले तो आप बोलोगे, अगर ऐसा नहीं याद रखते हो तो आप क्या बोलोगे कि प्रकाश तरंगों के मध्य आवृत्ति नियत होनी चाहिए या प्रकाशिक तरंगों की आवृत्ति नियत होनी चाहिए। पहला, आवृत्ति के साथ में आप तरंग धैर्य भी लिख सकते हो। ये नीचे वाली लाइन नहीं याद रही तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाश को तो एकवर्णीय होने चाहिए, नहीं याद रही तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, प्रकाशिक तरंगों का आयाम समान अथवा लगभग समान होना चाहिए। तीसरा, उनके मध्य कालांतर क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। चौथा, उनके मध्य पथांतर क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। और पांचवा, ये एक ज्यादा बता रहा हूँ, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे सिंपल वो पार्ट हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी पांच बताए उनमें से कोई भी चार तो आपको एनी टाइम याद हो सकेंगे, क्योंकि परिभाषा में हम लिख रहे हैं। अरे तीन चीज तो हम परिभाषा में लिख रहे हैं, क्या लिख, ओहो ये, चलो एक और बता देता हूं। क्या, प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए, प्रकाश किरणें या तरंगे, तरंगे लिख दो, तरंगे सही है, तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए, गमन करनी चाहिए। चलो ये भी बहुत सिंपल है, ये भी याद हो जाएगा आपको, है ना। तो आसानी से ये चीजें याद रख लीजिएगा, आवृत्ति समान होनी चाहिए पहला, आयाम समान अथवा लगभग समान होना चाहिए दूसरा, कालांतर नियत होना चाहिए तीसरा, चौथा तरंगे एक ही दिशा में गति करनी चाहिए। लो बताओ भाई, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सारे याद हो जाएंगे ना। चलो तो जल्दी से एक बार के लिए इनको उतारो, फिर आगे वाला पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। ओके, इट इज 47, ये लगभग 45 मिनट का हो गया है और वो आगे वाला पॉइंट मेरे हिसाब से 20 मिनट से ऊपर का जाएगा, तो रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो ये ठीक है, चलो डन हो गया ये। ओके बच्चों, ये ध्यान में रखना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आवश्यक शर्तों वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और एक वो अध्यारोपण का सिद्धांत जो हमने डिस्कस किया था उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आज अच्छी सी बात बताई है मैंने, उनको ध्यान में ही रख लीजिएगा। थ्योरी है, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, बहुत सारे बच्चों को थ्योरी में दिक्कत होती है क्योंकि गौर ही नहीं करते हैं, प्लीज़ उसके ऊपर गौर कीजिए। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।